के दिन ईटक के द्वारा निकाली जाएगी विशाल रेल, हजारों मजदूर होंगे शामिल। पूरी खबर बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। तीन प्लेस यूनियन कार्यालय में प्रदेश ईटक अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमुख सिंह तोते के अलावा कई यूनियंस के नेता मौजूद थे। जैक मई को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई। ईटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि मजदूर दिवस के दिन को खास बनाने के लिए ईटक के द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली आदित्यपुर पुल के समीप से स्टार्ट होकर बिष्टुपुर साक्षी गोलमुरी होते हुए टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन कार्यालय पहुंचकर समाप्त होंगे। वहीं इस रैली में टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन, टाटा वर्क्स यूनियन के अलावा कई यूनियन एवं संगठित क्षेत्र के मजदूर शामिल होंगे। ईटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने कहा कि मजदूरों के शहर में विभिन्न संगठन के द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वही मजदूर दिवस के दिन ईटक के द्वारा रैली निकाल कर मजदूरों की आवाज को बुलंद किया जाएगा। कल हम लोग एक मीटिंग आपस में किए थे, उसकी जानकारी आप लोगों को देना चाहते थे कि कल हम लोग मीटिंग किए थे जिसमें टाटा मोटर्स के हमारे साथी अध्यक्ष जी, टाटा मोटर्स के तोते जी हैं, आर के सिंह जी थे, इनके मीटिंग के लोग थे, आनंद बिहारी जी भी थे, ये भी हमारे स्टेट कुछ यूनियन है, उसके इंटक से जुड़े हुए स्टेट कमेटी में भी है। रामाश्रय बहुत हम लोग के सबसे पुराने ट्रेड यूनियन इंटक के नेता हैं, कंटक लेवल को देखते हैं। रघुनाथ पांडे जी भी कल थे हमारे, और टुल्लू चौधरी सतीश जी से बातचीत हुआ तो लोग भी बोले थे कि हम लोग सब साथ में हैं। अच्छा, तो अच्छी मीटिंग हुई थी। हम लोगों ने तय किया था कि 1 तारीख को हम लोग 8:30 बजे कर्मचारियों को बुलाए हैं वहाँ पर, जो खड़काई ब्रिज के पास इस साइड में जो गोल चक्कर है, जो हॉस्पिटल है हम लोग का, कांतिलाल गांधी पहले होता था, अब सत्य साई ट्रस्ट वाले लोग उसको चला रहे हैं, तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होंगे 8:30 बजे से लेकर 9 बजे, आधा घंटा हम लोग टाइम लेंगे वहाँ पर, 9 बजे वहाँ से हम लोग की रैली निकलेगी। वहाँ पर आदित्यपुर एरिया के लोग आएंगे, काफ़ी 12-14 कंपनियाँ हम लोग यूनियन है जहाँ आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी है, तो वे लोग वहाँ इकट्ठा होंगे जो डेयरी फार्म है वहाँ से आएंगे वहाँ पर, वहाँ एक साथ मिल करके सब जमशेदपुर के लोग और दूसरों के लोग हम लोग रैली निकालेंगे। वो रैली वहाँ से सीधे जाएंगे वोल्टास बिल्डिंग की तरफ, और वहाँ से बाएँ हम लोग घूमेंगे मेन रोड पर बिष्टुपुर होते हुए पोस्ट ऑफिस के पास आकर के बिष्टुपुर में राइट टर्न लेंगे साक्षी की तरफ, साक्षी फिर जाकर बाएँ होकर के जो थाना है वहाँ से राइट टर्न लेकर के हम लोग सेंट्रल गुरुद्वारा के सामने से गुजरेंगे, हावड़ा ब्रिज तरफ से होते हुए आगे जाकर बाई साइड में आडी टाटा के तरफ होकर गोलमुरी से क्रॉस करेंगे, और टीम पिट वर्कर्स यूनियन का जो गल चक्कर है वहाँ से गुजरते हुए तार कंपनी आगे पड़ेगा हम लोग का, उसके बाद टेल्को का जो टाटा मोटर्स यूनियन हमारी है, टाटा मोटर्स यूनियन का जो ये है ऑफिस उसके सामने में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। गर्मी भी काफ़ी है तो उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं मजदूरों के लिए आप लोग? जगह जगह पर पानी वानी की सब व्यवस्था रहेगी, चूँकि धूप काफ़ी है, गर्मी काफ़ी है, अभी रैली आयोजित करने में बड़ा चिंता रहती है कि कहीं किसी को बढ़ी ना होती है, बड़ी हुई है, लेकिन मजदूर हैं हम, धूप से भी लड़ना पड़ेगा, बरसात से भी, उससे भागेंगे भी नहीं, तो हमें लग रहा है कि जगह जगह पर 3-4-5 जगह व्यवस्था की है ताकि पानी वानी की व्यवस्था रहे सब। कुछ मजदूर रैली में तो मजदूर के हित में कुछ बदलाव नहीं होता है, रैली तो यूनिटी के लिए होती है, एकता के लिए होती है, और मजदूरों को जागृत करने के लिए होती है, और हम लोग याद दिलाते हैं कि जो आज सुविधाएं हमारे पास मिली हैं वो बहुत संघर्ष के बाद मिली है। आप सभी लोगों को पता है कि 1886 में हम लोग के अमेरिका में शिकागो का एक स्वयं है चक्कर है जहाँ पर मजदूरों ने 8 घंटा ड्यूटी के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया किया था, और अपने सर्विस कंडीशन के लिए, सेवा शर्तों के लिए एक आंदोलन किया था। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज के साथ।